अगला अंतरा नूर जाना शुरू कर अगला अंतरा तुहाडा शुरू कर दो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी देख रहे हो अलबेला टीवी। जिस तरह के असी मुख्तलिफ फनकारां दे नाल तुहाडी मुलाकात कराने हां, अज भी पाकिस्तान की बहुत अच्छी आवाज साढ़े कोल है, जिन्होंने गाने के जोर से पाकिस्तान की पूरी दुनिया के विच अपना नाम मनवाया है। तो अज इन्हां दी मेहरबानी, इन्होंने अलबेला टीवी नूं थोड़ा जिहा टाइम दिता है, तो साडे नाल भी इन्होंने बड़ा काम किया है चैनलों के उत्ते, खबरनाक, खबर यार, खबरदार और मुख्तलिफ मीडिया से भी बहुत गाया इन्होंने, तो अज भी गा रहे हैं। तो अज इन्हां नाल थोड़ी बहुत गुफ्तगू करांगे कि इस फील्ड किस तरह आए, तो इन्हां दा शौक की सी शुरू तो। नाम उन्हां दा मैं तुहानूं दस दिया, उन्हां दे वालद साहब तो उन्होंने नीलम के नाँ तो पुकारते सन, तो शो बीच उन्हां दा नाँ सरवत है, तो अज तो बाद उन्हां दा नाँ नीलम सरवत है जी। इस तरह ही है जी। सब तो पहले अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वीवर्स नूं भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई तुसी अपने इन्ने खूबसूरत शो च मैनू इनवाइट किया है, और बिल्कुल सही कह रहे हो, इस तरह है। मेरा नाम जिहड़ा है वो नीलम सरवत है। अच्छा, वो अज तो नहीं है, वो मेरे वालदान जिहड़े ने मैनू इस नाम तो पुकारदे सी, ते फिर मैं सोचा कि क्यों ना मैं अपने पब्लिक से भी सबनों पता होना चाहिए है कि मेरा नाम है नीलम, क्योंकि तुम्हारे वालद साहब भी बड़े प्यारे सिंगर सन माशाल्लाह, उन्होंने बड़ा गाया है। फैसलाबाद तो बिलोंग करते हो तुसी जी? बिल्कुल, फैसलाबाद च मैं कहना फनकार ही ने सारे, बस है अल्लाह पाक की रहमत है। अगे तो कहते ना इट पुटो फनकार, हूँ इट के उत्ते बैठे होंगे तो आवाज़ भी उतों की माशाल्लाह। नुसरत फतेह अली खान साहब जो फैसलाबाद दे ने, नहीं वो इट मार भी देंदे ने जे कोई गलत गल करो। वाह जी वाह, ए जी फैसलाबाद देखे, जुगत पानी भी उथे बहुत होया, यकीन करो उथे किसे चाय पानी दा भी इंतजाम करो। उथे किसे ने पूछ लो ना टाइम की होया, क्यों तू दवाई खानी है? उथे लोग भी बड़े प्यारे ने जी। वाकई जी, बिल्कुल। ते तुहाडे जदों वालस सी उदों तुसी नहीं सी गांदे हैगे जी, लेकिन उदों तुसी लुक लुक के गांदे होगे, ਐਵੇਂ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਜੀ? ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਦੁਆ ਪਿਆਰ और व्यूअर्स दी मोहब्बत जिन्होंने मैंने इस लाइक समझा। नहीं, गॉड गिफ्टेड होंदा है कुछ आवाज़ा। मैं तड़ा गाना एक जड़ा पूरी दुनिया के उत्ते इस टाइम 26 मिलियन लोगों ने देखा है, पंख होते तो उड़ाती रहे जी, जो तुसी GNN ते गाया सी जोक दर जोक च जी जी, वो गाना लोगों ने बहुत लाइक किया। गाने तो वैसे भी सारे ही अच्छे गाए ने, और लता मंगेश साहब नाल तुहाडी इन्नी आवाज़ मिलती है ना, अखां बंद करो लगता वही गा रहे हैं जी जी। बिल्कुल, बस अल्लाह पाक दी ब्लेसिंग है बेशक, क्योंकि अपना तो कोई कमाल नहीं है। तो वाकई तुसी पाकिस्तान का बड़ा वड्डा टैलेंट हो, लेकिन इत्थे मैनू लग रहा है कुछ जाया हो रहा है, असी लोगों ने पानी भी बड़ा जाया कर दिता है, सारा जाया हो जाता, डैम नहीं बना रहे तो उतो फनकारा दी एडिया एडिया अच्छिया आवाज़ा ने, तो उन्होंने भी फनकार नहीं बना रहे। बस जी, तुहानू पता है अजकल तो करोना ने सब का बुरा हाल किया हो, कोई गल नहीं, ना फनकारा नू होश आ रही है ते ना मददगारा नू होश आ रही है, पता नहीं कितों आ गया करोना खुदा की किस्मत। हां जी बिल्कुल, बाकी कोई नहीं, इंशाल्लाह तआला ये खत्म हो जाएगा। हां जी, काफी दुनिया बड़ी दुआवां ने इस बीमारी वास्ते के अल्लाह पाक जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बड़े बड़े आला लोग ने जेड़े मतलब इहदे ते काम कर रहे ने, इहदी मेडिसिन बनाणगे जी, वो खत्म हो जाएगी। ते बाकी लेकिन तुसी मास्क क्यों नहीं लगाया? लेकिन मेरे तो फासले ते यो मेरे नाम दा बणया नहीं, मैं एक दो बारी लाया तो बिचो मेरा मुँह नजर आ रहा है। मैं भी अपना जल्दी जल्दी भूले आई। लेकिन तुस ते ठीक हो ना? अल्लाह का शुक्र है, सेहत तो ठीक ही लग रही है।
लेकिन पता कि करोना तो मैं नज़र ही नहीं आते हूँ दिल करते कि इतने लाफ्टर जोर लाफ्टर हो गए इंशाल्लाह लोग जो देख रहे हैं वो लाफ्टर दे रहे हैं जी जी तो अगर तुम सुनने वाले अच्छा घर के काम कुम भी करते हो तुम हाँ जी सुने तुम करेले गोश्त बहुत अच्छे बनाते हो कि सुने मैंने दो बंद साढ़े घर एक मेहमान आया से मैं वो सुने मैं कभी नहीं किसी ने खवाया मैं सिर्फ खुद पकानी तो खुद खानी इन्ना की पकाते बस पुत्र की पकाया मैं अब जी अपने जो कोई पकाया हाँ जी मैंने बड़ा अच्छा खाना पकानी है अल्हम्दुलिल्लाह जी जी बिल्कुल बल्कि तुम आना मेरे घर जरूर इंशाल्लाह ताला शुक्रिया नहीं 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 दुनिया के उत्ते एक ही चीज है खाना ते गाना नहीं दुनिया के एक मजहब है मोहब्बत का वाह वाह मौला अली का फरमान है कि खूनी रिश्ते कुछ भी नहीं होते रिश्ते होते जो एहसास दे होते जो किसी का एक दूसरे का एहसास करता वही रिश्ता अच्छा खाना कमांदा वो तुम्हारा रिश्तेदार मैं कहते कि खा लेना तुम जिन्ना मर्जी खा लो लगना कि कख नहीं खा मैं तो फैसलाबाद एक बार गया अज तो सॉरी जरा मेरा मूड अच्छा है क्योंकि मैं राणा साहब के घर बैठी हुई हूं बड़ी अच्छी गल है उन्होंने सारा सेटअप लगवाया असि सोने तानो आए आज और मैं कभी बोली भी नहीं है इन चैनल पे बैठ के बाकी फैसलाबाद बहुत जुगता है मैं एक बार गया फैसलाबाद उथे जहांगीर मुर्ग पला ले नहीं मैं क्या एक प्लेट गोश्त और लिया जरदे दी मेरा मुंह देख के कहता उन्ना पवा जिन्ना खाना है जाया ना ना अच्छी गल अच्छा साडे नाज़रीन नु तू कोई अपना गीत स्थाई अंतरा सुना सकदे जी जरूर जरूर हां जरा सुनाणस नहीं बैठे हैं पहले जरा कुछ हासे खेड़े दी गल्ला कर खाने पीने दी गल्ला कर खाने पीने दी होई है फिर हुन गाने दी होणगी ते केड़े-केड़े चैनल ते तुसी गाया मतलब के चैनल ते सारे ही ने लेकिन खबरनाक किसी एक चैनल दा नाम नहीं ले सकदी लेकिन ऐ वे के मैं माशाल्लाह टीवी सीडी रेडियो कैसेट्स अनुवाद च सारा कुछ याद आंदा है तुसी फिल्म दे गाने भी गाए जी जी फिल्म भी ए मेरे ख्याल मास्टर जुल्फकार साहब ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे उस्ताद लोग ने होते जिन्होंने मैंने मौका दिता अच्छा म्यूजिक करवाया मेरे को इंशाल्लाह जल्द रिलीज होंगे गाने इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं तुहाडे भाई भी बड़ा अच्छा गाते हैं हाँ जी माशाल्लाह वह फैसलाबाद ही ने हले दोवें भैन भरा ही तुम गाते रहे तो और साडा काम नहीं गाना है नहीं उन्हों की आवाज़ भी बड़ी अच्छी है जी जी बिल्कुल बस वो असल च वजह है भी कि अगर माँ बाप के कोल चीज़ होवे ना कुदरती है तो फिर वो बच्चों तो फिर आनी जींस आ जाती है जाहिर है जाहिर हूँ साढ़े घर चो कोई भी फनकार नहीं सी सारे तुसी किधर ते चले गए सख्त भी है मैं अपने वालिद साहब ते वो असरे हंसदे खेड़दे सी मेरे वालिद साहब भी मतलब रूहदार आदमी सी वो गांदे अच्छा सीगे माशाल्लाह मैं देखदा ना मजदूर आदमी सीगा जदों ईदगाह साढ़े काले दे विच ना ईदगाह सी ते उत्थे रस्से बनांदे सन ते मैं छोटा जिहा अपने वालिद नाल ही जांदा हुंदा सां ते ओह नाले काम कर रहे नाले उच्ची उच्ची गा रहे ते मैं देख रहा कि मेरे वालिद साहब गा रहे ने घर च ते मेरे अब्बे दी आवाज़ नहीं सी निकलदी ताड़ी जो निकलदी वालिद दा प्रेशर बड़ा सारा फन तानू दे गए फिर अब्बा जी बाहर गाँदे सन नहीं ओह जो मैं इस काम च आया ना तो मेरे वालिद साहब बड़े खुश होए कि चलो चलो कोई तो है जड़ा बाकी सारे भरा तो आई जाए अल्लाह पाक साढ़े ते बड़ी रहमत करे करम करे और तुहानू सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह पाक वो तो है जी क्यों नहीं मेरी खुसूसी डॉक्टर सरवर बिल्कुल बुरा तो नहीं मना रहे नहीं नहीं अल्लाह मैं हर बंदा यही कहता मैं कभी भी नहीं मैंने एक बंदा कहता वो खाया पिया कर मैं एक बंदे का मैं 2 लाख खा गया और कितना खा तुसी शायद गलती ते हो 2 लाख मेरा ही खाता और वापस नहीं करो नहीं तानू चेक टाइम ना मिलते रहे तो टीवी नहीं जी व्यूअर्स ऐ मैं मजाक कर रही हूं इन्होंने मेरा कुछ नहीं देना एवं ना कि उन्होंने भार पै जाए अगर सेहत हो जाइए वजन पै जाएगा अजकल देना भी होया तो किन्ने देना अगला कहता करोना बस जी है करोना ने तो साढ़े हाल कर दिते
लेकिन असं फिर भी हंस रहे हैं। अच्छी गल हसना चाहिए कोई ऐसी गल खुश हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि तुम भी खुश हो साड़ियाँ गल्ला सुन के। तो हूँ गाना को हो जाए थोड़ा जहाँ अंतरराष्ट्रीय पहले मैं यह दसो कि म्यूजिक सिस्टम क्यों नहीं रखा थे। म्यूजिक मतलब कि मेरे को इन्ना खर्चा नहीं है इन्ना रेंज नहीं मेरा है मेरा तो चैनल गड्डी नहीं तुसी मेनू इन्ना लाइव जो गवाओगे मेरा इन्ना जोर लगाओगे तो मेनू तुसी देना की देखो जी कामयाबी वास्ते जोर तो लाने चाहिए देखो जी फ्री खाते मैं नहीं गंदी नहीं 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 यूट्यूब तो जो भी आएगा मैं तो नहीं हेलो जी है हमने स्टंप लग गई है इस गलते बिल्कुल ठीक है जी ठीक है की सुनना पसंद करोगे कोई भी मैं कहना लता जी का गुस्ताई अंतरा सुना दो हंसदे हंसदे जरा गले च खराश एक गाना सी इकट्ठे भी गाया ड्यूट हां हां जी 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 वो लेकिन पता नहीं तुसी दुखी हो के गाया के केड़ा गाना मैं देता है नहीं नहीं वो बड़ा मुश्किल गाना सी तेरे प्यार दा मैं कीता ओहो बहुत मुश्किल सी और वो पहला लाइफ दा ऐसा गाना सी कि मैनू गांदे होए बड़ी तकलीफ हो रही सी कि मैं नमक आ रही हूं नहीं नहीं मंदी ना लोड़े हीरी है तकलीफ है हो रही सी ना अर्जेंट गाना मैंने दिता गया और मैंने अद्धा घंटा पहले गाना दिता मैडम नूर जहाँ का गाना सी बहुत मुश्किल गाना सी और मेरे लिए बड़ा वो समझ लो कि वो चैलेंज सॉन्ग कहने कह सकते हो गायकी दे विच तुहाडा कोई आइडियल तो होंगे ना बंदे का कोई ख्याल हाँ मैडम नूर जहाँ ने नुसरत फतेह अली खान साहब ने मेहंदी हसन खान साहब ने लता जी ने जिन्हों तो मैं बड़ा फीडबैक अच्छा मिले जिन्हों के गाने मैं गाए ने और माशाल्लाह सब लोग उस्ताद लोग ने उन्होंने सुन के मैंने गाना आया मैंने बिल्कुल गाना नहीं आता नहीं बस बस है अल्लाह पाक की रहमत है बेशक ये रहनी रहनी इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत तुहाडे ते जो तुसी गाया लता जी का गाना तुहानू नहीं महसूस होया कि जिस तरह होंगे ना बंदा कि मैं फलां मेहंदी हसन को बड़ा अच्छा गाँव है कोई मैडम को बड़ा अच्छा गाँव ने कोई लता जी तुहानू ये महसूस होया कि मैं लता जी बड़ा अच्छा गाँव जो मैं बहुत छोटी सी ना उदो मैं गाने गाँव होंगी सी अपने वाले साहब नाल बैठ के एवं गुनगुनाने तो एवं रियाज भी करना शौक भी होंगे सी अंडरग्राउंड क्योंकि इजाजत नहीं सी उस दौर च गाने दी हूँ तो माहौल भी चेंज हो गया वक्त चेंज हो गया लेकिन शुक्र अल्लाह पाक दा बड़ी इज्जत आबरू नाल मैं इस काम नू लैके चली हाँ और कर रही हाँ और जो मैं गाँधी सी बचपन च उदो मैनू सब कहते कि जी एदी जड़ी आवाज़ है ना वो ऐ छोटी लता जी लगती है वाह 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 तुहानू टाइटल उदो ही मिल गया बिल्कुल उस तो बाद तुसी मैनू कई बारी गाणियां तो बाद टाइटल दिता है बहुत सारे लोगों ने एक बारी तुसी ना विचो छड़ के चले गए सी शो तो मैं दोबारा बड़ी कोशिश की मैं कहा यार उन्होंने लियाओ इन्हां दी इन्नी अच्छी आवाज़ है एक गाना तुसी गाया सीगा ड्यूट सीगा मुंडे दे नाल ते वो इंडिया दा गीत सीगा मेरा ख्याल जी जी हाँ मेरे जेन च ओदे बोल निकल गए आ जाएगा हाँ भी बड़ा अच्छा गाना सी फर्स्ट गाना मेरा उही सी उस तो बाद तुसी सब ने बड़ी पजीराई की बड़ा प्यार दिता और ताड़ा भी कई बार उन्होंने मैं दस्या है कि साडे विच कोई कमाल नहीं तुसी इस लाइक हो अल्लाह पाक ने तुहानू बड़ा अच्छा टैलेंट दिता है तो इनू मतलब जिहड़ी आवाज़ है ना ये लोगों तक पहुँचना चाहिए जो भी फन अल्लाह ने दिता है वो लोगों तक पहुँचना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल बेशक और अल्लाह पाक की ही देन है साडा मैं तो यही बार बार कहांगी मेरा कोई कमाल नहीं है मेरे परवरदिगार का करम है उसकी रहमत है कि उन्हें मैं इस तोहफे तो नवाजा मेरी आवाज़ मेरे लिए एक तोहफा है जो मैं अल्लाह पाक ने दिता है क्योंकि रियाजत भी चलती है नाल लेकिन ज़्यादा जो होंगे वो तुम्हें कुदरत वालों अगर मिल जाए तो तुम ज़्यादा लकी हो जाते हो उस चीज़ में तो तुम्हारा उस्ताद भी कोई है तुम हो बहुत अच्छे मैं तुम्हें कड़े चो लंघना दस उस्ताद सब अच्छे गाने वाले मेरे उस्ताद ही ने वाह वाह और मेरे वालिद साहब मेरे उस्ताद ने वो तो है ही जी बिल्कुल जिन्हें को मैं सीखा वो पीर उस्ताद है बिल्कुल बिल्कुल और माशाल्लाह जिन्हों ने पहले मैं नाम ले चुकी हूँ वो सब उस्ताद ही ने सब अच्छा गाने वाले उस्ताद ने इन्हों सुन के इन्हों देख के ही तुम अपने अंदरों खूबियां पैदा कर सकते हो ते तानू इंडिया तो नहीं कभी कॉल आई चढ़ते पंजाब कभी नहीं बहुत कॉल आंदियां ने लेकिन बस कुछ फैमिली इश्यूज ने कुछ हालात ऐसे ने कि उते इंडिया फ्रूट नहीं जा सकदा असी किथों जाना नहीं असी कोरोना दे जरिए जा सकदे नहीं हुण मुल्क तो बाहर जिहड़े शो होंदे ने ना मतलब दुबई हो गया यूके हो गया या यूरोप च किसे मुल्क दे विच मैं दस दे रही हां शोआं दी मैनूं ऑफर्स ते काफी होईयां ने लेकिन मैं कल्लियां नहीं जा सकदी मेरी बड़ी मुश्किल है चीज़ वास्ते क्योंकि मेरे भाई मेरे नाल होंदे ने
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟਿਕਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਰੁਕੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ 14 ਅਗਸਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਜੇ ਹੁਣ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰਸਲੋਨਾ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸ਼ਫਕਤ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੇਰੋ ਚੀਫ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਭਰਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿਓ 27 ਅੰਤਰ ਆਏ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ 27 ਅੰਤਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਨੇ ਲੱਗ ਜਾ ਗਲੇ ਕੇ ਫੇਰ ਹਸੀ ਰਾਤ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਇਸ ਜਨਮ ਮੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਲੱਗ ਜਾ ਗਲੇ ਕੇ ਫੇਰ ਹਸੀ ਰਾਤ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਇਸ ਜਨਮ ਮੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਲੱਗ ਜਾ ਗਲੇ ਸੇ ਘੜੀਆਂ ਨਸੀਬ ਸੇ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੀਜੀਏ ਹਮਕੋ ਕਰੀਬ ਸੇ ਫਿਰ ਆਪਕੇ ਨਸੀਬ ਮੇਂ ਯੇ ਬਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਇਸ ਜਨਮ ਮੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਲੱਗ ਜਾ ਗਲੇ ਸੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਸੀ ਦੇਵਦਾਸ ਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਗਾਣਾ ਹੀ ਚਲਾਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਬਤ ਨੇ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਮ ਪੇ ਕਿਸ ਨੇ ਹਰਾ ਰੰਗ ਡਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਹਮਾਰੀ ਹਮੇ ਮਾਰ ਡਾਲਾ ਮਾਰ ਡਾਲਾ ਮਾਰ ਡਾਲਾ ਹਾਂ ਮਾਰ ਡਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਹਮਾਰੀ ਹਮੇ ਮਾਰ ਡਾਲਾ
वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, मार डाला और लिया डाला। बचपन च तो बड़ी शरारती हो गई तू। नहीं नहीं, मैं हूँ भी शरारती हाँ, हूँ मैं कहना बुढ़ी हो गई। नहीं नहीं, वो मतलब हों नहीं बचपन वो कि जिस तरह अबे के पैसे कढ़ लै। नहीं नहीं, वो मैंने हथी दे देंगे सी। वो वैसे ही दे देंगे भी इन्हें कढ़ तो लैने ही है। नहीं वैसे कढ़ते रहे हो तुसी? नहीं मैं उन्होंने तो नहीं कढ़ते सी, अलबत्ता मैं तुहाडे जरूर कढ़ लाँ। मेरे को तो दवाइयाँ ही नहीं जेब च। चलो एक अद्धी मैनू भी दे दो, अजकल बड़ी तबीयत खराब रहती है। मेरे को अपने दो टाइम दी, मैं तैनू कितों दे दियां? मैं सोच रहा भी अगली दवाई मैं कितों लैनी है। इस शो च होए भी बैठे हो, कमाई करो तो दवाई लैके आओ। नहीं मार्केट सारी दुनिया ही स्टक हुई है ना तुहाडे सामने। नहीं तुसी नहीं आउण लगे, तुहाडे ते अल्लाह दा बड़ा करम है। वो तो पी आई है, सारे ड्राइवर कढ़ देते, चिंगची चलाउण लग पए। ए ना होवे कि हुण मैं किसे दिन तुहानू भी चिंगची चलांदे देख रही हां। नहीं जिस तरह बड़े बड़े रेस्टोरेंट होंगे ने उन्होंने एक बड़ी बच्ची आवाज़ गा रही होंगी, वो कभी नहीं तुम मतलब कोई चांस मिले? मैंने अल्लाह ने वैसे जो बड़ा अच्छा चांस देता, मैंने रेस्टोरेंट से गाने की लोड़ सी। नहीं होंगे रे, उत्थे भी बड़े बाजौक लोग बैठे होंगे ने। नहीं मैं बाजौक लोगों जाके इवेंट किए ने, जो पब्लिक बैठी होंगी लाइव शो किए ने तुम? जी जी अलहमदुलिल्लाह। किन्ने बड़े अच्छे एडवांस हो गया। एक लड़की ने जिहड़ी ढोल वजांदी है, बड़ी डिसेंट कुड़ी, पढ़ी लिखी है, उन्हें ढोल सिख लिया। खुश रहो, ताड़ी आवाज वाकई तुसी खुश रहन दियोगे ते मैं जरूर खुश रहूं। मैं पहली बारी तुहानू इन्ना हसदियां वेख्या, नहीं तो तुसी ओ खबरनाक होंदे ने। अपना गाना किया तो रोटी वाला डब्बा चुकया तो होगा साडा मेरी रोटी तो ना ध्यान रख। नहीं तुम उतें नहीं ना खाते, क्या मेरे नाल दे दो तो तुम भी कभी फिक्र नहीं मंगवा के दी कि कुड़ी ने अपना टिफिन पड़िया तो मैं ही रोटी ला दिया। मुझे एडवांस दौर हो गया ना, पहले दौर जो तो मतलब ब्याह शादियाँ होंगे सर ना, जो दो जी गए ना तो अपनी डोल लैके जाते सर घरों। तो यार मेरा मतलब है कि मैं भी डोल नहीं, वो कहते जी इत दो बंद की रोटी दे दो, देते होंगे सर। मैं कभी इन्ना नहीं हसी माशाल्लाह, तेरे शो च आके मैं बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा ही लग रहा है कि मैं तुम्हें बचपन तो जानती हूँ। रूहां मिलिया ही होंदिया ने आर्ट? नहीं नहीं, इन्नी भी नहीं मिलिया, तुम तो रूह तक पहुँच गए। तू तो मेरी रूह मुकाती, मेरी रूह मारी दी तू। नहीं फनकार दुनिया के कितने भी होने रूहां ही होंदिया ने ना, अल्लाह पाक ने स्पेशल लोग बनाए होंगे ने। नहीं नहीं, तुम रूह तक ना ना पहुंचो, तुम दुनिया च सारे घर दे डरो ना, तुहाडे घर रूह आई है, रूह अफजा बनाओ। कल्या नहीं पीता होना, मैं तो तुसी चाय भी नहीं पूछी, ताड़ा टेबल किथे चाय? तुसी ते क्या मैं चाय पींदी नहीं? क्यों नहीं पींदी, मैं सब कुछ खानी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे सब कुछ, मेरे केड़े दंद गरम सर दो। नहीं होते ना कई सिंगर, मैं बड़ा नहीं खाता। नहीं नहीं मैं बहुत खाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप मंगवाए तो सही, आपने तो कोशिश भी नहीं की मंगवाने। अच्छा वाकई एक बारी ना एक जगह तुसी फंक्शन करन गए, गल ना टालो पिंड च गए, तुहानू चाहिए सी तुहाडे शो च परौणी आई, इत्थे टेबल क्यों नहीं हैगा, खाना क्यों नहीं पिया? मैं तुहानू मेरे खाने दी तुसी गल लोगां नू दसी, क्या टिफिन लै के आंदी सी? क्योंकि मैं घर दा खाना खांदी, तुहानू मैं कच्चियां सब्जियां लै देआं। ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿੰਗਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਗੁਣੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਘੰਟਾ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਡਾ ਤਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਈ ਬਰਥ ਫਨਕਾਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰੋ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਓ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੇਠ ਵੀ ਜੁਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੱਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਸਕੀ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੋਸਕੀ ਤਾਂ ਵਹਾਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਤਾਜ਼ਰ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੈ ਪਾਉਣੀ ਆ ਬੋਸਕੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕੁਆਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਲੱਗਦਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਸਮਨਾਬਾਸ ਮੰਦਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਨਾਬਾਸ ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਆ ਮੰਡੀ ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੰਮਣ ਭੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਰਵੇ ਹੋ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਵੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦ ਵਰਲਡ ਦੀ ਐਂਡ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਚੜਿਆ ਰਾਤ ਵੀ ਪਈ ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਾਚੀ ਮੁਲਤਾਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਨਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਨਾਰਵੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਵਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਅਲਬੇਲਾ ਟੀਵੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਐਸ ਟੀ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਬੇਲਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੈਡਮ ਦਾ 27 ਅੰਤਰ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਨ ਜੀ ਸਾਗਰ ਰੋਏ ਲਹਿਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਏ ਯਾਦ ਪਿਆ ਕੀ ਆਏ ਨੈਣਾ ਭਰ ਆਏ ਸਾਗਰ ਰੋਏ ਲਹਿਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ अगर आप हमारी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ऐसे करके।